परी लोक में अपने आखिरी दिन गिनना शुरू कर दो रानी परी। अब मैं तुम्हें चुनौती देती, बचा सकती हो तो बचा लो बालवीर को। रानी परी, आप कुछ करती क्यों नहीं? तुम चिंता मत करो, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। रानी परी, और आप तो भयंकर परी को जानती ही हैं। वो चुनौती सामने से देती है लेकिन वार वार पीछे से करती है। नटखट परी और गाल परी को भयंकर परी को ललकारना नहीं चाहिए था। अब इनके किए की सजा पूरे परी लोक को देगी भयंकर परी। वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो खुद अंदर से बालवीर से डरी हुई है। याद रखो, हम परियां तभी हारती है जब हमें हमारी शक्तियों पर विश्वास नहीं रहता। लेकिन रानी परी, भयंकर परी को रोकने के लिए आपको कुछ तो करना ही होगा ना। उसने बालवीर का चेहरा पहचान लिया है, अब वो उस तक कैसे भी पहुंच ही जाएगी। आप लोग चिंतित ना हो, भयंकर परी बालवीर तक पहुंच भी गई तो भी वो बालवीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर ऐसा कैसे होगा रानी परी? भयंकर परी के पास असाधारण शैतानी शक्तियां हैं। मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी कोई भी शक्ति बालवीर को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक बालवीर पृथ्वी लोक या परी लोक में है। आपका मतलब है कि सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ भयंकर परी बालवीर से ज्यादा शक्तिशाली है? हाँ, सिर्फ भयानक लोक ही ऐसी जगह है जहाँ भयंकर परी बालवीर को अपने वश में कर सकती है। इसलिए भयंकर परी बालवीर का सुरक्षा चक्र तब तक नहीं तोड़ सकती जब तक भयंकर परी बालवीर को भयानक लोक नहीं लेकर जाती, और हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे, कभी नहीं। पता नहीं ये बात भयंकर परी को पता है कि नहीं, क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो बालवीर को किसी भी तरह भयानक लोक लेकर जरूर जाएगी। मेहर, क्या है? मुझे पढ़ना है। पढ़ाओ ना। इतना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, करनी तो पड़ेगी। हाँ तो करो ना मेहनत। मैंने कहा मना किया है तुम्हें? ओ हेलो, मेहनत मुझे नहीं तुम्हें करनी पड़ेगी। अच्छा तो ठीक है, बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुम्हें अपने गुरु का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी ले लेता। तुमने माँ के फोटो को क्यों छुआ? मुझे सिखाया गया है कि बच्चों की सबसे पहली गुरु उसकी माँ होती है, इसलिए मैंने माँ की तस्वीर को छुआ। हाँ, मेरा भी मतलब वही था। अब तो पढ़ाना शुरू करो। पढ़ा तो देती तुम्हें मैं ABCD, लेकिन क्या है ना, आज मेरे हाथ में बहुत दर्द है। तुम हंसी क्यों? क्योंकि तुम बहुत अजीब हो। मैंने सुना है कि बोलने से मुंह दर्द होता है, और तुम तो कह रहे हो कि तुम्हारा हाथ दर्द हो रहा है। मेरा मतलब था कि स्कूल में लिख लिख कर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरा हाथ दबाओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब बोलो A for apple, मतलब सेब। A for आम नहीं हो सकता? वो क्या है ना, मुझे आम बहुत पसंद है। तुम्हारी पसंद का यहाँ कुछ नहीं चलेगा, समझे? अब बोलो B for bat, यानी बल्ला। B for बल्ला नहीं, B for बल्लू। चुप कर लल्लू, ठीक से पढ़ वरना कान पकड़ के बना दूंगी तुझको उल्लू, समझे बल्लू? हाँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ठीक से? हाँ। बल्लू जाओ, मैं बहुत थक गई है और रात को दूध पिए बिना नहीं सोती है, दूध लेकर आओ। हाँ जाओ। हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये लो तुम्हारा दूध।
पानी। हाँ लेकर आता हूँ। हो गया आज का पढ़ाना भी हो गया। मतलब अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे? नहीं, जितना तुम्हें पढ़ा है उसमें तो नर्सरी में तो एडमिशन मिल ही जाएगी। और नर्सरी के इतने छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बल्लू को देखेंगे तो बेहोशी हो जाएंगे बेटा। पर मुझे तुम्हारी क्लास में आना है। फिर तो तुम्हें 4 साल लग जाएंगे। क्या 4 साल? पर मुझे तो आज ही सब पढ़ना है। आज ही पढ़ना है? फिर तो तुम्हें रानी परी पढ़ा सकती है। ठीक है, तो फिर मैं रानी परी से ही कहता हूँ। ये तो सचमुच उल्लू बन गया। अब सारी रात जाकर रानी परी को बुलाते रहेगा। पर वो आएंगी थोड़ी ना। काम है जरूरी, आ जाओ झटपट परी लोक से परी नटखट। इटली बिटली आ गई तितली। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। क्या हुआ बालवीर, क्यों बुलाया तुमने मुझे? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं भयंकर परी ने तुम्हें ढूंढ तो नहीं लिया? नहीं नटखट परी, इस वक्त तो मुझे भयंकर परी से भी भयंकर परेशानी है। अभी मुझे पढ़ाई करनी है। मैं परेशान हूँ और आप हंस रही है? मैं हंस रही हूँ बालवी, क्योंकि तुम भी पृथ्वी लोक के बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई और लिखाई को भयंकर परेशानी मान रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, पढ़ाई लिखाई तो हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। और अगर बच्चे रोज पढ़ेंगे तो वो इतनी भयंकर परेशानी लगेगी ही नहीं। तो मैं क्या करूं? मुझे तो 4th कक्षा की पढ़ाई करनी है। आप मुझे उसका पूरा ज्ञान दे दीजिए ना। बस इतनी सी बात, अभी लो। हे रानी परी शक्ति देख हरी, पढ़ना है बालवीर को चाहिए किताब, लेकिन वो किताबें हो बेहिसाब। नटखट परी, इतनी सारी किताबों का मैं क्या करूंगा? मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं है। ओ, तो फिर तुम क्या चाहते हो बालवीर? मुझे अब जादू से 4th कक्षा का सब पढ़ा दो, क्योंकि मेहर तो मुझे पढ़ा नहीं रही है और मैं भी उसे दिखाना चाहता हूँ मैं उसके बिना पढ़ सकता हूँ। बालवीर शायद रानी परी का दिया हुआ संदेश और आदेश तुम भूल रहे हो। हमारी शक्तियाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हमारी शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए हैं। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं जा रही। नहीं नहीं नटखट परी, मैं तो ये कह रहा था कि मैं दिखा सकूँ, मतलब मैं मोंटू को दिखा सकूँ कि मैं मानव और मेहर के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ रहूंगा तो उनकी रक्षा भी कर पाऊंगा ना। अच्छा तो ये बात है। ठीक है बालवीर, मैं तुम्हें ज्ञान जरूर दूंगी। हाँ, मैं अभी आया। नटखट परी, ये मानव और मेहर की 4th कक्षा की किताबें हैं। आप मुझे इन किताबों में से ज्ञान दे दो। जादू ही है ये सारा सामान, मिल जाए बालवीर को इन किताबों का पूरा ज्ञान। चौथी कक्षा तक ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम्हें ना आता हो बालवी। कोई भी कुछ भी सवाल पूछ ले, तुम उसका आसानी से जवाब दे सकते हो। शुक्रिया नटखट परी। खुश रहो बालवी। खुश रहो नटखट परी। तो फिर इटली बिटली उड़ गई तितली।
और पढ़ाई हो गई। अच्छा तो ABCD बोल के दिखाओ। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तुमने तो पूरी रट ली है। ABCD तो बहुत आसान है, कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन स्कूल में तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो बल्लू ये बताओ, 2 + 2 = 4 और 2 और 2 को 5 पे लाओ तो 22। अच्छा बता, हम अपने भारत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिया। और इंडिया का कैपिटल? दिल्ली। इतना भी नहीं आता? अगर स्कूल में इतना सोचोगे तो फेल कर देंगे। मानो इसे कोई आसान सवाल पूछ। नर्सरी वाले। चलो बच्चे लोग जल्दी नाश्ता कर लो। चलो बच्चों प्रसाद ले लो। हाँ प्रसाद ले लेते। नहीं, पहले नाश्ता कर लेते, बहुत जोर की भूख लगी। अरे इतने गंदे बच्चे थे। नहीं ना, पहले नाश्ता। एक मिनट, जल्दी डिसाइड करो क्या करना है। और तुम्हारे बैग्स कहाँ हैं? अरे इस बल्लू को पढ़ाने के चक्कर में बैग ही नहीं सेट किया। माँ आप नाश्ता लगाओ, हम लोग बैग लेके आते हैं। अरे अच्छा तू ले ले, मैं दादाजी को भी प्रसाद देकर आती हूँ। अरे मेरी सोशल स्टडीज की बुक आ गई। बल्लू कहीं तुमने तो नहीं ली? नहीं। क्या मैर, उसे क्या पूछ रहे हो कि सोशल स्टडीज की बुक कौन सी होती है? मैर कहीं है वो बुक तो नहीं जो ग्रीन कलर की है और जिसमें तुम्हारे नाम का लेबल है मैर डगली, जिसे सरस्वती पब्लिशिंग कंपनी ने छापा है और जिसे श्री वी एन अग्रवाल ने लिखा है, जिसमें हम हिस्ट्री जियोग्राफी और सिविक्स के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी के 7 चैप्टर है, हिस्ट्री के 9 और सिविक्स के 6 चैप्टर है। जियोग्राफी में हम सन मून और अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। सन हॉट है, मून कोल्ड है और अर्थ गोल है। हिस्ट्री में हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बारे में पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को है और रिपब्लिक डे 26 जनवरी। और हाँ इस बुक में हम ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार के बारे में भी पढ़ते हैं और इसे किसे बनाया, किस तरह बनाया। और वो मेरी इंग्लिश की बुक भी। मानो ये वही बुक है ना जिसमें रॉबिन हुड की स्टोरी है, रॉबिन हुड यूज्ड टू स्टील फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर पर्संस। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये तो हिंदी के चैप्टर 9 की पोयम है। ये तीनों किताबें मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ, यही कहीं रखी होगी। जय हो बालवीर की, फतेह हो बालवीर। रुको रुको, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? जिस दिन वो भयंकर परी का सामना करेगा ना, उस दिन बात करेंगे। और भयंकर परी से बालवीर कभी नहीं जीत पाएगा। ऐसा नहीं है ताराज परी, रानी परी के साथ साथ हम 7 परियों की शक्ति भी है बालवीर के पास, भयंकर परी से लड़ने के लिए। हाँ लेकिन तुम्हारी शक्तियों से वो भयंकर परी से जीत नहीं सकता। उनसे जीतने के लिए बालवीर को हमारी शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। अगर बालवीर के पास हमारी शक्तियां भी होती ना तो वो भयंकर परी को जरूर पिछाड़ सकता था। हे नई शक्तियां आपके पास और हो करती बातें बड़ी बड़ी। हे लेली शक्तियां वापस रानी परी ने आपसे। अभी हमारे पास शक्तियां नहीं है तो क्या हुआ, हम रानी परी के पास जाकर अपनी शक्तियां वापस मांग लेंगे। जाने दो ना नाराज परी, तुम भी क्या डूबा डूबा की बातों में आकर नाराज हो रही हो? डूबा डूबा ऐसा नहीं कहते। तुम ऐसा बोल सकती हो नटखट परी क्योंकि तुम्हारे पास शक्तियां हैं। जब हमारी तरह बिना शक्तियों की परी बनोगी ना तब तुम्हें समझ आएगा हमारा दर्द। जाने दो नाराज परी, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं। चलो चलकर रानी परी से अपनी शक्तियां वापस मांगे। चलो तराश करी। गुड मॉर्निंग, टेस्ट की पूरी तैयारी करके आए हो ना? हाँ। वो सब अभी पता चल जाएगा।
अर्थ के बारे में कुछ बताओ। जी, क्या मैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। अर्थ हमारे हेमिस्फीयर के 8 प्लैनेट में से एक है। वो गोल है, सन की दूरी के हिसाब से वो तीसरे नंबर पे आता है और आकार के हिसाब से पांचवें नंबर पे, और अर्थ सन के चारों तरफ घूमता है। जिस तरफ सन है उस तरफ दिन है और दूसरी तरफ रात। ज्योग्राफी तो अच्छी है। थैंक यू सर। तुम एक काम करो, इंडिया की हिस्ट्री के बारे में कुछ बताओ। कौन से पेज और कौन से चैप्टर के बारे में बताओ सर? जितना तुम्हें आता है बताओ। वेरी गुड बेटा। अच्छा ये बताओ, हिंदी की कोई कविता आती है तुम्हें? हाँ हाँ, हिंदी भाषा एवं व्याकरण की किताब के 12वें पन्ने पे कवि श्री द्वारका प्रसाद महेश्वरी ने कहा है कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, साथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वजा कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। मुंह खुला रह गया है तुम्हारा, बंद कर दो वरना मक्खी घुस जाएगी। बोलो और कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे पूरा यकीन है कि लड़का बहुत ही होशियार है। And yes, हम इसे 4th स्टैंडर्ड में एडमिशन दे सकते हैं। क्यों शर्मा जी? यस सर। वैसे भी सर इसे तो इतना कुछ आता है, अगर मैं कुछ पूछूंगा तो अब मुझे ही कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो फिर ले जाइए ना बल्लू को अपने साथ क्लास में। बल्लू को मेहर और मानव ले जाएंगे सर। सर मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपने बच्चे के लिए आटा लेके जाना है। आटा? आटा? तुम क्या बच्चों से रोटी बनवाते हो? दरअसल पिछले 10-12 दिनों से मेरा बच्चा खाना खाए ही जा रहा है सर, और अगर उसे खाना ना दो तो सर इतनी जोर से चिल्लाता है कि कान के पर्दे फट जाएं। और अभी सर घर में खाना भी खत्म हो गया है और आटा भी खत्म हो गया है। अगर मैं जल्दी से जल्दी घर पे आटा लेके नहीं गया तो वो पूरा घर सिर पे उठा लेगा सर। दादाजी मैं पानी पी के आता हूँ। हाँ जा बेटा, बोल बोल के मुंह सूख गया होगा ना तेरा, तो जा जा जा। मम्मी इतना ही खाना बचा है? हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाके और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए, ये तो खत्म हो जाएगा। हाँ बेटा, अभी पापा के पास जाएंगे तो और खाना लेंगे। नहीं मम्मी, मुझे अभी जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। हाँ बेटा हाँ। हे रानी परी, शक्ति देख रही। शक्ति देख रही, दुख की नदी जाए सूख, मिट जाए उस बच्चे की भूख। तबा 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 तबा, तीसरे बच्चे का भी बश तोड़ दिया है बालवीर। जल्दी देखो और बताओ कहाँ है बालवीर, क्योंकि जहां वो बश टूटा है वहीं पर बालवीर भी होगा। हूँ देखता। जल्दी देखो। पाठशाला कहाँ पर, किस क्षेत्र में? हे शहर मुंबई के पूरे गांव क्षेत्र में। शाबाश तौबा तौबा।
इससे पहले कि बालवीर वहां से चला जाए मुझे वहां जाना होगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता बालवीर, कोई नहीं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.